ये बड़ी खबर इस वक्त के सामने आ रही है, जहां मोदी 3.0 में मंत्रियों को विभाग का बंटवारा किया गया है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त का आपको बता रहे हैं, ये अहम जानकारी सामने आ रही है। वहीं बात करें तो गजेंद्र सिंह शेखावत को सांस्कृतिक और पर्यटन मंत्रालय सौंपा गया है। वहीं राजनाथ सिंह को एक बार फिर से रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, अश्विनी वैष्णव को सूचना प्रसारण मंत्री बनाया गया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, मंत्रियों को विभागों का बंटवारा किया गया है। लगातार कयास लगाए थे, जिसके बाद अब ये फैसला आपको बता रहे हैं। नितिन गडकरी को एक बार फिर से सड़क परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं अजय टमटा को सड़क परिवहन राज्य मंत्री बनाया गया है। साथ ही हर्ष मल्होत्रा को भी सड़क परिवहन राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त के सामने आ रही है। साथ ही बता दें कि नितिन गडकरी को दो राज्य मंत्री मिले हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त के सामने आ रही है, नितिन गडकरी को दो राज्य मंत्री हैं। आज ये मोदी कैबिनेट की पहली बैठक हुई, जिसमें सभी मंत्रियों को विभागों का बंटवारा किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त के सामने आ रही है, ये बड़ा अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। नितिन गडकरी को दो राज्य मंत्री मिले हैं। बता दें कि अजय टमटा को भी सड़क परिवहन राज्य मंत्री बनाया गया है और हर्ष मल्होत्रा को भी सड़क परिवहन राज्य मंत्री की जिम्मेदारी मिली है। वही देखिए, मनोहर लाल खट्टर की अगर बात करें तो शहरी विकास और ऊर्जा मंत्रालय सौंपा गया है। तोखन साहू को शहरी विकास राज्य मंत्री बनाया गया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, अवैध जयशंकर को एक बार फिर से विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। और एमपी के मंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात कर ले तो उनको कृषि मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, शिवराज सिंह चौहान को दो मंत्रालयों की जिम्मेदारी आज दी गई है। मोदी कैबिनेट की बैठक में ये बड़े फैसले लिए गए हैं। वहीं निर्मला सीतारमण की अगर बात करें तो एक बार फिर से उन्हें वित्त मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री बनी रहेंगी। 2019 में भी उन्हें ये मंत्रालय सौंपा गया था। और जीतन राम मांझी की बात कर ले तो उन्हें एमएसएमई मंत्री बनाया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का जो मंत्रालय है वो जीतन राम मांझी को दिया है। गजेंद्र सिंह शेखावत को सांस्कृतिक और पर्यटन मंत्रालय दिया गया है और धर्मेंद्र प्रधान को एक बार फिर से शिक्षा मंत्री बनाया गया है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त का सामने आ रहा है, श्रीपद नाइक को ऊर्जा राज्य मंत्री घोषित किया गया है। आज ये बड़े फैसले इस बैठक में लिए गए हैं। राजनाथ सिंह को एक बार फिर रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं अश्विनी वैष्णव की बात करें तो सूचना प्रसारण मंत्रालय की जिम्मेदारी अश्विनी वैष्णव को दी गई है और चिराग पासवान को खेल मंत्रालय सौंपा गया है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त का सामने आ रहा है। लगातार आपको बता रहे हैं कि आखिर कौन से मंत्री को कौन सा मंत्रालय मिला है। राममोहन नायडू को नागरिक उड्डयन मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है और जेपी नड्डा को इस बार कैबिनेट में शामिल किया गया है और स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी जेपी नड्डा को दी गई है। वहीं सर्वानंद सोनोवाल को शिपिंग और पोर्ट मंत्री की जिम्मेदारी आज दी गई है। अमित शाह के पास वापस से उनका गृह मंत्रालय आ गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह बने रहेंगे। इससे पहले भी अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री थे और एक बार फिर से उन पर भरोसा जता के ये जिम्मेदारी दी गई है। मोदी 3.0 सरकार में मंत्रियों को विभागों का बंटवारा हो चुका है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नितिन गडकरी को एक बार फिर से सड़क परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है और उनको दो राज्य मंत्री मिले हैं। अजय टमटा जो कि उत्तराखंड से हैं, उन्हें सड़क परिवहन राज्य मंत्री बनाया गया है। हर्ष मल्होत्रा को सड़क परिवहन राज्य मंत्री बनाया गया है और ये दो राज्य मंत्री नितिन गडकरी को मिले हैं। ये बड़ा अपडेट इस वक्त का आपको बता रहे हैं। इससे पहले भी नितिन गडकरी के पास सड़क और परिवहन मंत्रालय था और मनोहर लाल खट्टर को भी इस बार कैबिनेट में शामिल किया गया है और इनको शहरी विकास और ऊर्जा मंत्रालय की जिम्मेदारी इस बार दी गई है। तोखन साहू की बात कर ले तो शहरी विकास राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। एस जयशंकर को वापस से विदेश मंत्रालय सौंप दिया गया है। ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। वहीं शिवराज सिंह चौहान को पहली बार कैबिनेट में जगह मिली और कृषि मंत्री और पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री उनको बनाया गया है और उन्हें दो मंत्रालय आज सौंपे गए हैं। मोदी कैबिनेट में ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, ये बड़े फैसले लिए गए हैं। निर्मला सीतारमण को एक बार फिर से वित्त मंत्री की जिम्मेदारी दे दी गई है और वो वित्त मंत्री बनी रहेंगी। साथ ही अगर बात कर ले तो जीतन राम मांझी को एमएसएमई का मंत्रालय सौंपा गया है। मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का ये मंत्रालय उनके नाम किया गया है। गजेंद्र सिंह शेखावत को सांस्कृतिक और पर्यटन मंत्री बनाया गया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। वहीं धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी एक बार फिर से सौंप दी गई है। श्रीपद नाइक को ऊर्जा राज्य मंत्री बनाया गया है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त का सामने आ रहा है। साथ ही आपको बता दें, राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी
एक बार दोबारा से सौंपी गई है और अश्विनी वैष्णव को सूचना प्रसारण मंत्री की जिम्मेदारी आज दी गई है। मोदी कैबिनेट में ये तमाम बड़े फैसले लिए गए हैं। चिराग पासवान को खेल मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं आपको बता दें कि राममोहन नायडू को नागरिक उड्डयन मंत्रालय सौंप दिया गया है। जेपी नड्डा को इस बार कैबिनेट में शामिल किया गया है और स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। वहीं सर्वानंद सोनोवाल को शिपिंग और पोर्ट मंत्री बनाया गया है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त का सामने आ रहा है। तमाम फैसले आज लिए गए हैं और अमित शाह को एक बार फिर गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी से नवाजा गया है। इससे पहले भी अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री के पद पर थे और वो गृह मंत्री ही बने रहेंगे। साथ ही शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्री और पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री बनाया गया है। और किरेन रिजिजू की बात करें तो संसदीय कार्य मंत्री उनको आज घोषित किया गया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मंत्री को विभागों का बंटवारा किया गया है। मोदी 3.0 का गठन हो चुका है और लगातार ये अपडेट आपको दे रहे हैं। आज मोदी कैबिनेट की बड़ी और अहम बैठक हुई जिसमें तमाम मुद्दों को लेकर आज चर्चा की गई और मंत्रियों को विभागों का बंटवारा भी किया गया।